हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल हम चैप्टर कर रहे हैं फंक्शन ऑफ कंप्लेक्स वेरिएबल तो इसका पीवाई क्यों हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं ध्यान से इसको देख लीजिए देखिए हमें गिवन क्या है कॉस थीटा प्लस फाई दैट इज इक्वल टू आर कॉज अल्फा प्लस अयोटा अल्फा प्रूफ हमने करना है फाई की वैल्यू दिस ठीक है तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं कॉस थीटा प्लस अयोटा फाइव की वैल्यू हमें गिवन है दैट इज इक्वल टू आर कॉज अल्फा जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं प्लस अयोटा अल्फा ठीक है अब अगर हम इसको देखते हैं कॉज ये क्या है कॉज ए प्लस बी ठीक है अगर हम इसको ए प्लस बी बोलते हैं कॉज ए प्लस बी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है कॉज ए कोज बी माइनस साइन ए साइन बी यही फॉर्मूला होता है तो चलिए अब हम इसको यूज़ कर लेते हैं कॉज ए कोज ए क्या है कॉस थीटा कॉज ए कोज बी कॉज बी मीन्स कॉज आयोटाफाई माइनस साइन ए साइन थीटा साइन बी तो साइन बी क्या होगा साइन आयोटा फाइव दिस इज इक्वल टू आर कॉज अल्फा इसको भी हम आर को मल्टीप्लाई कर देते हैं आयोटा आर साइन अल्फा ठीक है ये वैल्यू आ गई हमारे पास देखिए अब ये जो कॉज आयोटा फाइव है कॉज आयोटा एक्स की जो वैल्यू होती है अगर हम उसकी बात करें तो वो हमारे पास होती है कॉज हाइपरबॉलिक एक्स होता है और अगर हम साइन आयोटा एक्स की बात करते हैं तो वो क्या होता है आयोटा साइन हाइपरबॉलिक एक्स के इक्वल होता है ठीक है तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू यूज कर लेते हैं कॉस थीटा कॉज हाइपरबॉलिक फाइ माइनस साइन थीटा और ये जो यहाँ पे है आयोटा फाइव इसकी जगह पे हमारे पास क्या आएगा साइन हाइपरबॉलिक फाइव और साथ में आयोटा ये जो आयोटा है इसको हम यहाँ यूज कर लेते हैं साइन हाइपरबॉलिक फाइ दिस इज इक्वल टू आर अल्फा प्लस आयोटा आर अल्फा ठीक है नाउ इक्वेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स अब देखिए रियल पार्ट क्या है आर कॉस अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा और कॉस हाइपरबॉलिक फाइव ठीक है ऐसे ही हमारे पास आर अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी आर अल्फा विल बी इक्वल टू माइनस साइन थीटा साइन हाइपरबॉलिक फाइव इसको आप दे दो नंबर वन और दिस इज नंबर टू डिवाइड टू बाय वन टू को हमने वन से डिवाइड किया आर साइन अल्फा अपॉन आर कॉज अल्फा दिस विल बी इक्वल टू माइनस साइन थीटा साइन हाइपरबॉलिक फाइव अपॉन कॉस थीटा कॉज हाइपरबोलिक फाइव क्लियर अब यहाँ पे ये आर आर कैंसल आउट हो रहे हैं हमारे पास और क्या बच जाएगा साइन अल्फा अपॉन कॉज अल्फा इन टू अब यहाँ पे देखिए ये कॉज थीटा मैं यहां इसके साथ लिख देती हूं कॉज थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा इज इक्वल टू अब साइन हाइपरबोलिक फाइव और अपॉन कॉज हाइपरबोलिक फाइव इसको मैं क्या लिख सकती हूं टेंजेंट हाइपरबोलिक फाइव लिख सकती हूँ और यहाँ पे ये माइनस में इसके साथ दे देती ये जो माइनस है मैंने इसके साथ यूज कर लिया ठीक है अपॉन कॉज अल्फा साइन थीटा दिस इज इक्वल टू इसको मैं क्या लिख सकती हूँ पावर फाइव माइनस ई रेस टू पावर माइनस फाइव डिवाइड बाईस्ट टू पावर फाइव प्लस ई रेस टू पावर माइनस फाइव इसके इक्वल होता है ठीक है नाउ बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या चीज होती है हमारे पास बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर अब हम इसमें क्या करते हैं डिनोमिनेटर प्लस न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर ठीक है तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास कॉस अल्फा साइन थीटा माइनस साइन अल्फा कॉस थीटा डिवाइड बाई डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर माइनस न्योमिनेटर माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा तो प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा साइन अल्फा कॉस थीटा दिस विल बी इक्वल टू डिनोमिनेटर ई रेस टू पावर फाइव प्लस ई रेस टू पावर माइनस फाइव प्लस ई रेस टू पावर फाइव माइनस ई रेस टू पावर माइनस फाइव डिवाइड बाय डिनोमिनेटर ई रेस टू पावर फाइव ई रेस टू पावर माइनस फाइव माइनस ई रेस टू पावर फाइव माइनस ई रेस्ट टू पावर माइनस फाइव क्लियर ये चीज़ हो जाएगी अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा कॉज अल्फा साइन ए कॉज बी माइनस कॉज ए साइन बी क्या फॉर्मूला होता है इसका साइन ए माइनस बी तो साइन क्या आ जाएगा थीटा माइनस अल्फा अपॉन यहाँ पे क्या है साइन ए cos बी प्लस कॉज ए साइन बी तो ये क्या हो जाएगा आपके पास साइन थीटा प्लस अल्फा दिस विल बी इक्वल टू अब यहाँ पे जो कैंसल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर देते हैं ये कैंसल आउट हो रहे हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा टू ई रेज टू पावर फाइव डिवाइड बाय ये हमारे पास हो जाएगा ई रेस टू पावर फाइव प्लस ई रेस टू पावर माइनस फाइव माइनस ई रेज टू पावर फाइव अब ये नेक्स्ट माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो प्लस ई रेज टू पावर माइनस फाइव ठीक है तो और ये यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव ये कैंसल आउट हो रहे हैं अब हम यहाँ लिख लेते हैं साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन साइन थीटा प्लस अल्फा दिस इज इक्वल टू टू ई रेज टू पावर फाइव अपॉन टू ई रेज टू पावर माइनस फाइव अब ये टू और टू यहाँ पे कैंसल आउट हो रहे हैं और ये हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी साइन थीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन साइन थीटा प्लस अल्फा दिस विल बी इक्वल टू ई रेस्ट टू पावर फाइव प्लस फाइव हम इसको बोल सकते हैं तो दिस इज इक्वल टू ई रेज टू पावर टू फाइव ठीक है टेकिंग लॉग बोथ साइड बिकॉज हमें आंसर में लॉग को प्रूव करना है तो टेकिंग लॉग यहाँ तक पूछा है तो आप यहाँ छोड़ सकते हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड्स तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन साइन थीटा प्लस अल्फा डिवाइड बाय लॉग ऑफ ई रेज टू पावर टू फाइव ठीक है अब लॉग में जब हमारे पास होता है तो टू फाइव जो इसकी पावर होती है उसको हम आगे ले आते हैं तो ये क्या हो जाएगा लॉग ऑफ साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन साइन थीटा प्लस अल्फा दिस इज इक्वल टू टू फाइव लॉग ई अब लॉग ई e की वैल्यू क्या होती है लॉग ई e होता है हमारे पास वन तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ साइन थीटा माइनस अल्फा ऑन साइन थीटा प्लस अल्फा दिस इज इक्वल टू टू फाई ठीक है अब फाई की वैल्यू हमने प्रूफ करनी है वन बाई टू लॉग ऑफ साइन थीटा माइनस अल्फा जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी बहुत सी और वीडियोस देखने के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग दिस इज हैंड्स प्रूफ